अभिनय के बाद राजनीति में शामिल होने के बाद कंगना ने लोगों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता बटोरी थी। अब शेखर सुमन ने उसी राजनीति दल में शामिल होकर हलचल मचा दी है। दोनों अपने मुखर स्वभाव और एक दूसरे से संबंधित मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद अब सोशल मीडिया पर यूजर चुटकी ले रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, दो दुश्मन एक ही पार्टी में आ गए, मुझे तो उस वक्त का इंतजार है जब दोनों साथ में प्रचार करेंगे और शेखर कहेंगे कि कंगना ने काला जादू करके उनके वोट्स ले लिए हैं। शेखर और कंगना की पुरानी लड़ाई के बारे में हर कोई जानता है। उन्होंने शेखर के बेटे अध्यान सुमन को 8 साल तक डेट किया और 2017 में दोनों अलग हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कंगना पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया था। बता दें कि मोहित सूरी के निर्देशित राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज के सेट पर कंगना और अध्यान की राहें शुरू में एक दूसरे से करीब आई थी। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में दोनों अपनी सोच को कैसे सामने रखते हैं।